Hello everyone, how are you all? I believe you all are good by the grace of God. Welcome to the channel. As you all can see, this is my terrace garden. और ये मेरा terrace garden है और यहाँ पर पहले से ही मैंने fiber का shade लगाया है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है pots हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं terracotta pots और ceramic pots यहाँ पर हैं। और मैं इस एरिया को, इस जगह को रिनोवेट करना चाहती हूँ, तो उससे को करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार आपको इसकी वास्तविक स्थिति को दिखा दूँ, ताकि हमको रिनोवेट करने के बाद जो है अंतर समझ में आए दोनों के बीच में। तो एरिया काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वॉल है ये खाली है, तो योजना ये है कि यहाँ पर बैम्बू स्टिक्स की मदद से स्टैंड बनाया जाए, इधर वी शेप और यू शेप, और फिर उसमें जो है पॉट्स रखे जाए, तो ये एरिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा और इकोनॉमिकल भी होगा। फिर ये कॉर्नर्स जो है और ये जितना भी ये एरिया दिख रहा है, इसको सबको जो है काफ़ी सारा एरिया जो है मैं लश ग्रीन प्लांट से कवर करना चाहती हूँ, और जिससे कि उसकी खूबसूरती बढ़े। और जो है, और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि हम पॉट्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, तो उससे भी जो है खूबसूरती में काफ़ी परिवर्तन आता है, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। और जैसे कि ये कॉर्नर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, तो इस जगह पे मैं फाउंटेन बनाना चाहती हूँ, तो इसका मेरा प्लान है। बाकी सब जैसे कि आपने देख ही लिया है, ये है एरिया काफ़ी बड़ा है और पॉट्स भी काफ़ी हैं, और कुछ ऐड करके इसको और भी सुंदर बनाना है। तो चलते हैं, बनाते हैं और फिर देखते हैं अंतर कैसा लगता है। You can see this, ficus microcarpa has arrived. We are, the work is in progress. और आप देखिए और भी प्लांट्स आ चुके हैं, सिग्नोनियम, एग्लोनिमा, स्पाइडर, क्रॉटन्स, नेरियम, स्नेक प्लांट, देन वी हैव एरिका फैम्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। You can see the potting soil. और यहाँ पर ये पॉट्स में भरे जा रहे हैं, काम जारी है। यहाँ पर ficus microcarpa को लगा दिया गया है, and here ceramic pots have also arrived. And the painting work is on. देखिए गमले पेंट हो रहे हैं, काफी गमले हो गए हैं, थोड़े से गमले रह गए हैं जिनको होना बाकी है, और गमले पेंट होने के बाद जब अच्छी तरह सूख जाएंगे फिर हम इनको प्रॉपर प्लेस देंगे। अभी देखिए सारे गमलों में पेंट कर दिया गया है और ये बहुत खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं। ये सभी तैयार हैं, अब बस इनको सही जगह पर रखना है। तो अब इसकी भी हम शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज हाउ आई अरेंज्ड माय प्लांट्स। इस तरह से मैंने प्लांट्स को अरेंज किया है और इसको अरेंज करने में थोड़े दिन लग गए हैं, उसके बाद जो है मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। देखिए ये एक सेक्शन है जो मेरी वॉल के सामने है। पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वॉल के सामने बैम्बू स्टैंड्स के ऊपर जो है प्लांट्स का अरेंजमेंट करूंगी, लेकिन बैम्बूज वर नॉट अवेलेबल देन, सो आई हैड टू चेंज माय प्लांट्स एंड आई एडजस्टेड लाइक दिस। एज यू कैन सी, सिंगोनियम, क्रॉटन्स, ओलियस, रोयो, द स्पाइडर, ficus, then palm, and here erica palm. तो ये ऐसा दिखता है ये section wall के आगे, ये देखिए। और उसके बगल से जो है मैंने bamboo stool के ऊपर ये jade की bonsai रखी है, और उसी के बगल से palm है, और इसमें ऐसी beauty को enhance करने के लिए मैंने तीन पत्थर रख दिए हैं। इट लुक्स गुड। और आइए चलते हैं अनदर सेक्शन, दूसरे सेक्शन की तरफ। ये कॉर्नर है, यहाँ पर भी जो है
फाइकस माइक्रोकार्पा को रखा है, और फिर देखिए ऐसे ये दो पाम और बगल से भी एक पाम, और ये जो यहाँ पर चाइना पाम, फिर यहाँ पर मैंने बॉन्साई रखी एडनियम की, और ये छोटा सा मिनिएचर ही है, और ये सिंगोनिया सिरेमिक पॉट के ऊपर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये अनदर सेक्शन, आप देखिए यहाँ पर भी फाइकस है, मुझे लश ग्रीन चाहिए था इसलिए मैंने फाइकस और पाम को यूज किया है। और देखिए इस तरह से जो है ये दूसरा सेक्शन बनाया, और इसमें मैंने नेचुरल लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने स्टोन्स भी यूज किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कैरेंचो, क्रॉटन, एग्लोनिमा, स्पाइडर, चाइना फ्रिंज, एग्लोनिमा स्पीचे, तो आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन इस तरह से अरेंज किया है। और फिर यहाँ पर ऊपर जो है बास्केट्स भी रखी हैं, इट लुक्स गुड। और साइड से जैसे कि धूप, जब दोपहर को काफी धूप आती तो यहाँ पर शेड भी लगाया है, तो जब धूप होती है तो उसको खोल देते तो ये नीचे गिर जाता है। देखिए ये एक और, इट इज वेरी गुड। और ये अलग एक और सेक्शन है यहाँ पर मेरा, ये बॉन्साई का है, देखिए ये है बरगद की बॉन्साई। प्लांट इज हेल्दी एंड इट लुक्स गुड। और यहाँ पर ये चेरी की बॉन्साई, और एक और बॉन्साई है फाइकस की। I hope you liked it. Now the another section. This is again corner one. तो इस तरह से जो है यहाँ पर corner पे पॉट्स का arrangement किया गया है। ये button rows हैं। फिर उसके बगल से adenium की bonsai, यहाँ पर natural stones use किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये miniature cute cat, as you can see. और यहाँ पर पीछे squirrel भी है, lovely. इट्स ब्यूटिफुल। यहाँ पर ये छोटा सा मिनिएचर बास्केट सिरेमिक पॉट के ऊपर रखा है, ये बैम्बू स्टैंड के ऊपर, लेकिन ये जैसे कि आप स्टोन्स देख सकते हैं, नेचुरल लुक, क्रॉटन, स्पाइडर्स, सिंगोनियम, रिकापाम। ये बास्केट स्पाइडर प्लांट, इट्स सो ब्यूटीफुल, लवली। एक और कैलेडियन सिरेमिक पॉट में, अभी देखिए मिनिएचर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं नेरियम, कैलेंचू, सेंसोवेरा स्नेक प्लांट, इस तरह से। और फिर यहाँ पर फाइकस भी है, पाम लीव्स। अगर हम इसे दूर से देखें तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं पॉट्स, सिरेमिक पॉट्स, ऐसे ये पूरा एक कॉर्नर, ये पूरा एक साथ दिया गया है, आप देखिए। अब फिर मैं इसको पास जाती हूँ, आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसा अरेंज किया गया है जैसे कि यहाँ पर था। ये अरेंजमेंट इस प्रकार से किया गया कि यहाँ पर फाउंटेन बना सके, भी बना नहीं है,
लेकिन बहुत जल्द हम इसे बनाएंगे, ये फिलोडेंड्रॉन। आप देख सकते हैं कोलियस की डिफरेंट वैरायटी यहाँ पर, क्रॉटन्स, और मैंने पानी में वाटर लिली भी डाला है। अब आते हैं यहाँ पर एग्लोनिमा, यहाँ से फिल किया, लश ग्रीन चाहिए था उसी हिसाब से किया गया है, और फिर यहाँ पर जो है राखी बेल लगाई है ऊपर, और थोड़े ही दिनों में लाइक इन एक या दो महीने में प्लांट, आशा करते हैं कि प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे और तब इसकी खूबसूरती और निखर करके आएगी। और यहाँ पर मैंने एक बास्केट में एक प्लांट लगाया, इसका नाम मुझे नहीं पता, आई ट्राई टू फाइंड आउट बट आई कुडंट गेट इट। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। ग्रीन प्लांट, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो देखिए यहाँ पर एक घोंसला चिड़िया ने बनाया है, और यहाँ पर बर्डीज हैं, दो हैं। मुझे हमेशा से नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए था, और चिड़िया को भी लगा नेचुरल, शायद इसलिए उसने यहाँ पर घोंसला बनाया। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एक और बास्केट, फिर आप देख सकते हैं ये एक और सेक्शन है यहाँ पर, यहाँ पर फर्न है और स्नेक प्लांट, इस तरह से इसका अरेंजमेंट भी किया गया है। फिर एक और प्लांट है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता है, एंड इट लुक्स गुड, इट्स बिग, इट लुक्स गुड, और इसको ला करके मैंने ऐसे ही बड़ी पॉट में डाला है, और चारों तरफ जो है मार्बल के स्टोन्स हैं उसको मैंने सेट किया, इट गिव्स अ वेरी गुड लुक, इट लुक्स गुड। तो ये और एक और सेक्शन जो है ऐसा मैंने निकाला है, और इसमें पीछे जो है एग्लोनिमा है, इसको यहाँ पर ऐसे सेट किया गया है, और ये बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी ऊपर बास्केट से। और यहाँ पर देखिए बेल, ये बहुत अच्छी लग रही है नीचे आती हुई, बस इंतज़ार है कि ये जल्दी से बढ़े और बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर भी देखिए बास्केट से अरेंज की गई है, ये एक और सेक्शन है, सो मैंने बहुत सारे अरेंज किए हैं। और अब पीछे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने जो है फ्रूट्स लगाए हैं, देखिए ये ग्रेप्स की बेल, अंगूर की बेल, ये बढ़ गई है काफ़ी जल्दी होता है, और ये लेमन है, ये चीकू है, ये कस्टर्ड एप्पल, एंड दिस इज ये मौसमी है, मिर्ची के दो हैं, और यहाँ पर जामफल का लगाया है बास्केट्स। और यहाँ पर ये पीछे पीछे के साइड है, तो यहाँ पर देखिए मनी प्लांट की बेल लगाई हुई है, और बीच में एक सकुलेंट भी है, ये देखिए ये पीछे का एरिया है। ये देखिए मैंने आपको ये दिखाया था पास से ये सब, और अभी ये दूर से ऐसा दिख रहा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ग्रीन से, ये बीच में भी मैंने यहाँ पर तीन सिरामिक पॉट्स में स्नेक प्लांट को लगाया है, आप देख सकते हैं ऐसा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इनको पानी देना, इनकी देखरेख करना। नेचर रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की बहुत सुंदर रचना। आई थैंक गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये देखिए यहाँ पर ये एक स्टैंड है जहाँ पर मैंने सक्यूलेंट्स को रखा है, सो आई होप यू लाइक इट, इट्स ब्यूटिफुल, यू कैन सी। और उसके पास जो मैंने स्टोन्स भी एडजस्ट करके रखे हैं, एडजस्ट किया हुआ है, रखा है, ये मेरे पास स्टोन्स थे एक्वेरियम, मेरे पास एक्वेरियम है तो उसके लिए मैंने मंगाए थे, सो इट वॉज जस्ट कैप, सो आई यूज हियर टू एनहांस द ब्यूटी, सो इट लुक्स गुड, एंड द बास्केट्स हियर एंड द स्टैंड आई कैप। और मुझे कुछ जगह यहाँ पर खाली रखनी थी, क्योंकि यहाँ पर एसीज हैं, कि एसीज लगे हुए हैं, तो जब एसी चलता है तो सामने से गर्म हवा बहुत आती है, तो उससे प्लांट्स को नुकसान पहुँच सकता है,
तो वो जगह खाली रखनी पड़ी। तो इसी प्रकार से एडजस्ट किया गया है और यही ईश्वर से दुआ है कि ईश्वर अनुग्रह दे ताकि मेरे प्लांट्स जल्दी से ग्रो करें, अच्छे से बढ़ें। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ मैं, ये कि यस्टरडे आई यूज्ड दिस प्रीमियम लिक्विड सी वीड कंसंट्रेट फॉर प्लांट्स, सॉइल एनरिचमेंट, विगरस प्लांट ग्रोथ, क्वालिटी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कल मैंने इसको यूज़ किया था एज पर द इंस्ट्रक्शंस और इसकी लीव्स पर मैंने स्प्रे किया था। तो देखते हैं इससे क्या, इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे मेरे पौधों पर क्या असर होता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक या दो महीने बाद फिर से जो है वीडियो लेके आपके साथ शेयर करूंगी। This is how it looks from one end to the another end. I'm loving it. It looks good.